अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वैनिटी बॉक्स की वीडियो, जो कि मैं पैक करने जा रही थी भाभी के लिए, और मैं आपको इसकी फुल डिटेल बताऊंगी। तो जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैनिटी बॉक्स से। ये बॉक्स मैंने लिया था सेंट्रल मॉल कराची से, और सेंट्रल मॉल की मैं वीडियो जो है आपको एक्सप्लोर मॉल वाली जो मेरी वीडियो है उसमें कुछ ना कुछ दिखा चुकी हुई हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाएँ और वो वीडियो देखें। ये मैंने वैनिटी बॉक्स लिया था स्टाइलिश बैग कलेक्शन से। ये लोग डील कर रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स को। अगर आप किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाएं तो ये वैनिटी बॉक्स जो है वो ब्रांड से आपको 15,000 में, 18,000 में अब ये वाला साइज़ मिलेगा। लेकिन चूंकि सेंट्रल मॉल जो है वो होलसेल मार्केट थी, तो ये मुझे वहाँ से मिला है 4500 का, मतलब 4500 में, तो बहुत ही रीज़नेबल ये मुझे वहाँ से मिल गया। होलसेल मार्केट का यही फ़ायदा है कि वहाँ जाते हो तो फिर हर चीज़ जो है वो रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। और ये मैं आपको अब लिप पेंसिल्स दिखा रही हूँ। ये मैं इनको एज अ लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, और ये जब लिप्स पे लगाती हूँ तो ये ऐसे कोई सॉफ्ट लिप्स कर देती है ना, मतलब जैसे रुई इफेक्ट हो, मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी हैं। और ये मैं आपको इसका कलर चेक करवा रही थी तो पीछे से भाई की एक मेरे सर पे आई कि ये चमाट आई कि ये तुम मेरी बेगम की चीज़ें जो है वो ख़राब कर रही हो। तो बस ऐसे ही हम लोग साथ में चिटचैट लगे हुए थे। और ये है हाइलाइटर, ये हाइलाइटर भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मेरा फेवरेट है। तो ये मैंने एक भाभी के लिए भी लिया है। और ये मैंने जितने भी मेकअप का सामान है ये भी मैंने सेंट्रल मॉल से लिया, और वैनिटी बॉक्स भी सेंट्रल मॉल से ही लिया था। फर्स्ट फ्लोर पे ये सारे, इवन सेंट्रल मॉल में बैठे ही सारे होलसेल वाले हैं, नीचे जो हैं वो और हैं, और नीचे ऊपर जो हैं वो मेकअप वाले हैं। तो ये है ब्लश ऑन, ये ब्लश ऑन के कलर्स भी बहुत प्यारे थे, ये देखें। ये मैं अभी आपको खोल के चेक करवाती हूँ, ब्लश ऑन के कलर्स भी बहुत खूबसूरत थे। ये देखें, इसके पिगमेंट भी अच्छी है। और मुझे हर चीज़ के अब प्राइस जो हैं वो अलग अलग से याद नहीं है। पेंसिल्स के प्राइस जो मैंने आपको बता दिए हैं ऊपर स्क्रीन पे मेंशन किए हैं कि 12 का पैक था और मैंने ये 600 में लिया था। ये लिक्विड फाउंडेशन है 3D एक्स्ट्रा मैट की। इस पे मैंने इतना फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि हर एक की अपनी स्किन टाइप होती है और कौन सी स्किन पे कौन सा कलर जो है वो सही लगता है, तो वो बाद में भी शॉपिंग हो जाएगी, तो बस मैंने ये ले ली। और ये मेकअप ब्रशेस का सेट था, मतलब हर चीज़ रीज़नेबल प्राइस में ही मिली थी। और ये है मेडोरा की लिपस्टिक्स, और ये भी बहुत ज़बरदस्त कलर थे। ये देखें, ये कैरेट सा कलर है और ये बहुत ही प्यारा कलर था, तो मैंने ऐसे ही रैंडम ले ली थी कि चलो ये लिपस्टिक्स जो हैं तकरीबन हर ड्रेस के साथ चल जाती हैं। और इसका नंबर था 561। इस लिपस्टिक का कलर भी बहुत प्यारा था, पिंक सा कलर था इसका शेड, और इसका नंबर है 573। 573 इसका शेड था। और ये भी तकरीबन हर ड्रेस के साथ ही चल जाता है। ये है परफ्यूम सीक्रेट, बड़ा अलग सा डिफरेंट सा इसका शेप थी, तो ये भी मैंने वहाँ से ही लिया था सेंट्रल मॉल से। और इसके बाद हम देखते हैं जी नेल पॉलिश। नेल पॉलिश भी मैंने जो रूटीन में चलने वाले कलर थे वही लिए थे, कि चाहे आप नेल आर्ट भी करना चाहो तो इन कलर्स के साथ बहुत अच्छा हो जाता है, कि पिंक कलर और मैरून कलर में। इसके बाद है जी हमारे पास, ये भी लिपस्टिक्स हैं, और ये इनका कंटेनर जो है वो लाइक लिप ग्लॉस जैसा है, और इसका कलर भी बहुत प्यारा था। ये मैरून शेड में है, मैरून तो नहीं, ये भी डार्क कैरेट सा शेड लग रहा है, तो ये भी बहुत प्यारा कलर था। और ये सेकंड वाला जो है, ये देखें, इसका शेड भी बहुत प्यारा था, ये पिंक सा लग रहा था। इन दोनों के शेड्स भी बहुत खूबसूरत थे। इसके बाद ये हमारे पास लिप ग्लॉस है,
ये देखें लिप ग्लॉस, ये लिप ग्लॉस के भी पूरा मैंने पैक ही लिया था। ये शायद आई थिंक 8 का पैक था या 6 का पैक था, तो 2-3 मैंने रख लिए, बाकी जो हैं वो फिर मैंने भाभी के लिए रख दिए। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब जिन लोगों का खाना खाते हुए लिपस्टिक उतर जाती है ना, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि खाना खा के भी नहीं उतरते, इवन रगड़ रगड़ के बाद भी उतारो वैसलीन वगैरह के साथ या किसी ऑयल के साथ, तो फिर उतरते हैं। इस लिप ग्लॉस का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त था, और ये देखें लगाते ही ये एक्स्ट्रा मैट था, इस ये लगाते ही ऐसे ड्राई हो गया, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है उनके लिए जिनकी लिपस्टिक जल्दी उतर जाती है। ये नेल पॉलिश रिमूवर पैड थे, उनका पैक था ये। और इसके बाद हम देखते हैं, ये है आईब्रो पेंसिल। ये एक तरफ इसकी पुली थी आईब्रोज को सेट करने के लिए, और दूसरी तरफ शेड था आईब्रोज को फिल करने के लिए। तो ये भी बड़ा हैंडी सा था कि आप चीज़ें ढूंढते नहीं हो, उठाते नहीं हो इधर उधर से, कि दोनों चीज़ें जो हैं वो एक ही जगह पे अवेलेबल हैं, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद हम देखते हैं, ये है पाउडर, ये भी फेस पाउडर है। ये है ब्यूटी ब्लेंडर का पैक, ये भी मैंने फुल पैक ही ले लिया था, और इसमें जो है वो ये वाले स्पॉन्ज भी थे और 2 ब्यूटी ब्लेंडर भी थे। ये पॉन्ड्स का फेस वॉश था, और ये भी हम इसमें रख देंगे ब्यूटी बॉक्स में। तो हमारा एक तो जो है वो ख़त्म हो गया, चीज़ें हमारी सारी सेट हो गई। इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब ना तो बहुत छोटा था ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो जो हमारा वैनिटी बॉक्स था इसमें काफ़ी सारी तकरीबन मेकअप की सारी चीज़ें ही आ गई थी। तो इसके बाद ये परफ्यूम लिया भाभी के लिए, और ये तो अब वैनिटी बॉक्स में आना नहीं था, तो हम इसको डिफरेंट किसी चीज़ में पैक करेंगे। और इसके बाद शैम्पू लिया ट्रेस्मी का, मेरा फेवरेट शैम्पू, ये भी वैनिटी बॉक्स का पार्ट हो जाएगा। और फिर हमने लिए वाइप्स, वाइप्स भी ज़रूरी है वैनिटी बॉक्स में, और लोशन भी ज़रूरी है कि कोई चीज़ और अवेलेबल ना हो तो कम से कम मेकअप जो है वो इससे उतर सके लोशन वगैरह से। और ये ब्रश पैक था, ये मैंने लिया था राबी सेंटर से, मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने राबी सेंटर से लिया। इसमें एक कॉम था और बाकी 2 ब्रशेस थे। और इसके बाद बारी आती है ये एक और ब्रश की, ये तो मैंने इधर से भावलपुर से ही लिया था, ये भी बहुत खूबसूरत ब्रश था। इसके बाद हम देखते हैं, आई शेडो किट, ये भी मैंने सेंट्रल मॉल से ही ली थी, और ये इतनी खूबसूरत शेडो किट थी ना, देखिए इसमें कलर्स जो हैं वो कितने ब्राइट ब्राइट कलर हैं, शाइन वाले कलर्स भी हैं और मैट कलर्स भी हैं, और बहुत जो है फंकी कलर्स भी हैं इसमें, बहुत ज़बरदस्त पैलेट थी ये। और मेरा जो जो मैंने चीज़ें ख़रीदी भाभी के लिए वो यहाँ तक पूरी हो गई। ये जो अब भी मैं आपको परफ्यूम दिखा रही हूँ, भाई को परफ्यूम कलेक्शन का बेइंतहा शौक है, और उसने इतने ज़्यादा परफ्यूम लिए हुए थे, तो उसने कहा ये मेरी तरफ से ना कुछ परफ्यूम्स रख दो इसमें। तो ये मैंने 2 परफ्यूम रखे, ये थर्ड परफ्यूम भी आ गया। मैं साथ साथ उससे पूछ रही थी कि ये तुमने कहाँ से लिए हैं, मुझे ये भी बता दो, लेकिन ज़ाहिर उसको इतना तो याद नहीं था कि कहाँ से लिए हैं या किसी पेज से ऑर्डर किए हैं। तो सारा परफ्यूम्स का ही ढेर जो है वो इसने कहा बस मेरी तरफ से रख दो, दिखा दो लास्ट में। मैंने कहा चलें जी आपकी तरफ से भी दिखा देते हैं,
तो ये भी दो परफ्यूम थे बड़े स्मार्ट से, ये भी फिर मैंने इसमें रखे। अच्छा, ये बाद में ना आईब्रो पेंसिल नहीं, ये मस्कारा और आईलाइनर जो है ना ये रहते थे, क्योंकि ये मिसिंग थे। ये मैंने जब हम सेंट्रल मॉल से ले रहे थे ना चीज़ें, तो तब मैंने नहीं ली थी कि मैंने कहा ये ड्राई ना हो जाए, तो ये फिर मैंने बाद में बहावलपुर जाके ये दोनों चीज़ें ली और फिर मैंने इसको वैनिटी बॉक्स में रखा। अच्छा, अब जो हमारी चीज़ें वैनिटी बॉक्स में पूरी नहीं आ रही थी, उसके लिए ये मैंने जो ड्रेस का एक बॉक्स होता है वो लिया, और इसमें बाकी चीज़ें जो हैं वो सेट कर दी हैं, बाकी परफ्यूम्स भी और वाइप्स वगैरह भी, वो सारा कुछ इसमें सेट हो गया। तो जनाब, कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो? आपने मुझे लाजमी बताना है, और मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या चीज़ आपको कैसी लगी और आपने मुझे ज़रूर बताना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।